यार दोस्तों कैसे हो तुम लोग। यार तुम्हारे लिए मैं 5 लव स्टोरीज या रोमांटिक मूवीज लेके आया हूँ। सभी को रोमांटिक मूवीज देखना पसंद है, और अभी तो हाल ही में कभी नई नई और शानदार शानदार लव स्टोरीज मूवीज आई है, जिनमें से मैं कुछ शानदार मूवीज आपके लिए लेके आया हूँ, जो यार आपको एक शानदार स्टोरी के साथ शानदार कहानी पेश करेगी और आपको एक लव का मतलब ही समझाती है। तो यार डिस्क्रिप्शन में मैं इनके सबके लिंक दे दूंगा, वहीं से आप इसको देख सकते हैं हर मूवी को। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना यार दोस्तों, ऐसी मूवीज और वीडियो पाने के लिए। और ऐसे वीडियो आते रहेंगे तो चैनल को लाइक और सॉरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो अपनी नंबर 5 पे जो मूवी आती है उसका नाम है रेबेल खिलाड़ी। रेबेल खिलाड़ी एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी है, जिसमें आपको एक्शन भी देखने को मिलता है और रोमांस भी देखने को मिलता है। फिल्म की स्टोरी काफ़ी यार एक फैमिली एंटरटेनर लव स्टोरी, इसमें कुछ आपको साइंस फिक्शन का भी देखने को मिलेगा। तो यार इसमें एक जर्जू नाम का लड़का रहता है, जिसको फर्स्ट साइट लव हो जाता है, यानी जो पहली बार में ही किसी को देखते ही प्यार हो जाता है। लेकिन इनकी लव स्टोरी जैसे आगे बढ़ती है, लव स्टोरी में ट्विस्ट आता है और उसके लवर को कोई किडनैप कर लेता है। तो क्यों किडनैप करता है और वो अपने लवर को क्या बचा पाएगा, यही कहानी में हमें देखने को मिलता है। नंबर 4 पे जो मूवी आती है उसका नाम है देव, जिसमें आपको कार्तिक देखने को मिलेंगे, उनके साथ रकुल प्रीत देखने को मिलेगी। ये एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी है, जिसमें आपको धमाकेदार कुछ नए तरह के एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं और शुरू से एंड तक आपको एक लव स्टोरी देखने को मिलती है शानदार। तो कहानी इस प्रकार है कि एक लड़का रहता है जिसको एडवेंचर या दुनिया घूमने में काफ़ी मज़ा होता है, नई नई चीज़ें करने में। तभी उसे प्यार होता है एक लड़की से, जिसको पटाने के लिए वो क्या क्या करता है, लेकिन वो उससे पटती ही नहीं है। तो इस मूवी में आपको वही देखने को मिलेगा कि वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है या नहीं करती। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उसका नाम है मजनू। मजनू में आपको देखने को मिलेंगे नानी, नानी के साथ आपको देखने को मिलेगी अनु मालू और प्रिया। ये एक शानदार रोमांटिक ट्राइंगल लव स्टोरी है, जिसमें आपको लव ट्राइंगल देखने को मिलेगा शानदार। तो इसमें यही देखना है किसको किसका प्यार मिल पाता है या किसको किसको प्यार नहीं मिलता और किसको किसका सच्चा प्यार मिलता है। मूवी में काफ़ी अच्छे इमोशनल लव सीन गाले गए हैं और मूवी के डायलॉग भी अच्छे अच्छे हैं। मूवी देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, वेस्ट नहीं होगा आपका टाइम इस मूवी को देखने में। तो यार नंबर जो 4 पे नंबर 2 पे जो मूवी आती है उसका नाम है रोमियो जूलियट। रोमियो जूलियट में आपको देखने को मिलेंगे जे एम रवि और उनके साथ देखने को मिलेगी आपको हंसिका मोटवानी। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है और मूवी का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन काफ़ी बेहतरीन है और मूवी में जो एक्ट्रेस ने परफॉर्मेंस दी है वो भी काफ़ी काबिल तारीफ है। मूवी में एक लड़का रहता है जिसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन लड़की को लड़के से ज़्यादा पैसों से प्यार होता है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से रहता है, उसके पास पैसे नहीं होता तो उससे एक्सेप्ट नहीं करती, उससे प्यार नहीं करती, लेकिन वो उसे छोड़ने को राजी नहीं है, वो उससे प्यार करता है बेहद, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो देखने को यही है कि वो लड़की क्या उससे प्यार करेगी या नहीं करेगी, या पैसों से ही प्यार करती रहेगी, या और उस लड़के को उसका प्यार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो यह नंबर जो 1 पे मूवी आती है उसका नाम है डियर कॉमरेड। डियर कॉमरेड एक शानदार मूवी है, लव स्टोरी ड्रामा एक्शन से भरपूर मूवी है। इसमें आपको विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना देखने को मिलेंगी। मूवी काफ़ी बेहतरीन है यार। मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसके डायरेक्टर और एक्ट्रेस है। डायरेक्टर ने क्या बेहतरीन से डायरेक्ट किया इस मूवी को, जहाँ हमें एक शानदार लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, वहीं जैसे जैसे क्लाइमेक्स आता है वैसे एक नए नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जो कहानी को और बेहतरीन और बोरिंग नहीं होने देते। एक्ट्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी काबिल तारीफ है, जो हमें दोनों के बीच लव स्टोरी और ड्रामे का काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और काफ़ी अच्छे से एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये थी यार तुम्हारी 5 मूवी, और भी मूवी वीडियो आते रहेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे वीडियो पाने के लिए।